नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है, बहुत बड़ी मांग की है या बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार से 1,00,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी है। इस 1,00,000 करोड़ रुपए से बिहार में अलग अलग इंडस्ट्रीज बढ़ाए जाएंगे, अलग अलग बजट में काम आएंगे। नीतीश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को पहली बार ऐसी बड़ी डिमांड करती हुई देखी गई है। इसको लेकर के एक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ज्ञापन सौंपा है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य की ओर से विशेष अनुरोध किया है। उन्होंने वित्त मंत्री को बताया है कि 2023-24 के दौरान 1,00,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के आवंटन पर विचार किया गया था। जब स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल आदि जैसे विविध क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की क्षमता सरकार की ओर से पहल आगामी बजट 2024-25 में भी जारी होनी चाहिए। हालांकि अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में ये राशि 1,00,000 करोड़ रुपए से घटा करके 55,000 करोड़ रुपए कर दी गई थी। सम्राट चौधरी ने अनुरोध किया है कि पूंजीगत व्यय की राशि को पिछले बजट में दी गई 1,00,000 करोड़ रुपए के बराबर ही रखें।